8 मार्च 2018 यानी कि विश्व महिला दिवस है और इस अवसर पर पूर्णिया के मरंगा स्थित सुधा डेयरी में महिलाओं के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें बड़ी संख्या में महिला शामिल हुई हैं, जिसमें शिक्षित और किसी बड़े पद पर काम करने वाली महिलाओं के साथ साथ साधारण घर में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं और स्कूली छात्राएं भी शामिल हैं। मैं उन लोगों से आज खास तौर से जानने की कोशिश करूंगा कि महिलाएं आज कितना शिक्षित हो पाई हैं। महिलाएं आज कितना सशक्त है और या होने की जरूरत है? सशक्त तो हम कहेंगे अभी है नहीं, लेकिन उस दिशा में अग्रसर हो रही हैं। तो इसके लिए क्या क्या कुछ करने की जरूरत है? पहले तो पढ़ाइए आप, दूसरी बात अगर होती है तो वो है दहेज, और वो दहेज निर्भर करता है माता पिता पर। बाल विवाह भी एक बहुत बड़ा है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक उसको न बाल विवाह से कोई मना कर सकता है, और दहेज जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी, मन से व्यक्ति सुधार नहीं करेगा अपने आप में, दहेज का लेन देन तो गुपचुप भी चलता रहेगा। तो महिलाओं की इसमें दहेज न हो चले, महिलाओं की इसमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं आप? न हो जिम्मेदारी तो हम समझते हैं माता पिता की है दोनों। लड़की अगर लड़कियां हमारी सशक्त हो जाएंगी तो वो विरोध करेंगी, वो नहीं करेंगी, वो दहेज लेने वाले से शादी नहीं करना चाहेंगी। तो कभी कभी मैडम ये देखा जाता है कि घर में पत्नी परेशान होती है, आरोप सास पे लग जाता है, तो एक महिला ही महिला को कभी परेशान, उसके लिए अपने आप को मजबूत करना होगा, ये करने की जरूरत है। इसमें सरकार की कोई भूमिका हो सकती नहीं? सरकार की भूमिका तो है, और हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों इस ओर कदम उठाए हुए हैं। दिवस है, इस अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक महिला आर्थिक स्वावलंबी नहीं बनेगी, अपने ऊपर डिपेंड नहीं होगी, तब तक महिला में जागृति नहीं आ सकती है। इसके लिए महिलाओं को मेहनत तो करनी पड़ेगी, और समाज में भी जो उसका जो है कुछ परंपराएं चली आ रही है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, समाज का मन का ये धारणा भी सबको हटाना पड़ेगा। महिलाएं सब कुछ कर सकती है, इसमें महिला में जुनून पैदा करना पड़ेगा। इसके लिए समाज को भी आगे आके महिलाओं की जागृति लाने के लिए समाज की भागीदारी बनना पड़ेगा। आज आप आत्मनिर्भर हैं, यहाँ तक आने के लिए लगता है कि आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा या फिर इजीली आ गए? नहीं, संघर्ष के बिना कुछ पाना तो बहुत ये मुश्किल है, बिना संघर्ष का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमको जहाँ तक अनुभव, जितना पुरुषों को संघर्ष करने की आवश्यकता होती है लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, महिलाओं को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, उससे कहीं ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या शिक्षा और जागरूकता? शिक्षा, जागरूकता, उसके बाद समाज के मन में जो धारणा बैठी हुई है कि महिला ये काम नहीं करेगी, वो काम नहीं करेगी, उसको तो सबसे पहले सबका मन से निकालना पड़ेगा। राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप लोग जो अधिकार की बात कर रहे हैं, कितना महिलाओं को मिल पाया है? देखिए, मैं एक बात जानती हूँ, वो ये कि महिलाएं अगर खुद चाहें तो ही सब कुछ हो सकता है, बिना उनके चाहे नहीं होगा। आज हम अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं, महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, अगर कमज़ोर होती तो घर नहीं चला रही होती, घर में जितनी प्रॉब्लम्स है जितनी वो अच्छे से हैंडल करती हैं, मर्द नहीं कर सकते। आप एक देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, महिलाओं में इतनी शक्ति है कि वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं, लेकिन उनको अपनी शक्ति की पहचान नहीं है। जिस दिन उसका उनको पहचान हो जाएगा, उसके बाद आर्थिक निर्भरता और नई निर्भर, आजकल बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो आर्थिक इंडिपेंडेंट है, अपने ऊपर आर्थिक तरीके से अपने कमा रही हैं, लेकिन फिर भी उन पर अत्याचार होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं केवल, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि उनको आत्मसम्मान होना चाहिए। जब तक वो खुद ना चाहे उसका कोई अपमान ना करे, जब ऐसा हो जाएगा जिस दिन, उस दिन सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा। और उसके लिए अब जो महिलाएं बन चुकी हैं, जो बड़ी हो गई हैं, क्योंकि वो बचपन से वही देखती आ रही हैं अपने घर में, दूसरी औरतों को भी अच्छा ऐसे ही होता है, तो वो भी ऐसी ही बन गई हैं।
आज औरतों को ये ज़रूरी है कि आप अगले जनरेशन को उनको सशक्त बनाना है, अपने आगे चाहे वो बेटा हो या बेटी हो दोनों को बराबर रख के चलना है। ये नहीं कि बेटे को खाना बनाना नहीं सिखाया और बेटी को पढ़ना नहीं सिखाया। जिस दिन बेटा और बेटी को बराबर लेके सिखाएंगे, जिस दिन बेटा और बेटी को अपने से प्यार करना सिखा देंगे, लड़कियों को भी हीन भावना नहीं आएगी जिस दिन बचपन से, उस दिन वो अपने आप सशक्त हो जाएंगे। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक जिम्मेदार महिला हैं, शिक्षित हैं, जो शिक्षित नहीं हो पाई हैं वैसे महिलाओं को ऊपर लाने के लिए आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, शिक्षा एक अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शिक्षा से आप बहुत कुछ करते हैं, आर्थिक विचारधारा उसमें आता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने कहा ना, शिक्षा के अलावा, मैं अभी गांव में आई हूँ, मैं दिल्ली में रहती थी और मैं प्रोफेसर थी वहाँ पे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, आज मैं गांव में एक साल से आई हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो पढ़ाई लिखी नहीं की हुई उन्होंने, लेकिन फिर भी उनके परिवार में उनका बहुत दबदबा है। तो इसका ये मतलब है कि उनको ये मालूम है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो हमारे पुराने समय की थी, दादी हैं, नानी हैं, उनको कोई उल्टा जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा सम्मान करना ज़रूरी है। तो सम्मान करने के लिए पहले खुद का सम्मान करना चाहिए। जो एक आपने पोएम सुना होगा, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, जिस दिन औरतें ये सीख जाएंगी उस दिन आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं यही कहना चाहूँगी, जितना भी महिला है, पहले तो मैं उसको नमन करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ, एक गर्भ से आखिरी सांस तक की जो महिलाओं की जद्दोजहद से वो झेलती हैं, सहमती हैं, बर्दाश्त करती हैं, उससे वो ऊपर निकले, इसके लिए हमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं, उन लोगों हमको सहारा देके आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे रही हैं कि आप उसको रिएक्ट करिए, उसका विरोध करिए, किसी भी गलत चीज़ के लिए, या वो घर हो या बाहर हो, महिलाएं ये जो सहने की आदत उनकी छूट जाए, हम एक घर, एक महिला बीमार पड़ती हैं तो उसका पूरा घर बीमार हो जाता है, उसी पे पूरा घर निर्भर है, तो वो अपने बारे में नहीं सोचती कि मेरा भी कुछ वजूद है, पहले वो हैं तभी तो सब है। तो वो पहचानना है और अपने आप को बनाना है, समझना है, अपना कल्याण करना है और आगे बढ़ना है, सशक्त होना है, कुछ भी करके, ना भी पढ़ी हैं, मेरा ये उनसे ये है मैसेज है कि वो ना भी पढ़ी हो, लेकिन अपना घर का काम करके, अपने आसपास के जो भी हुनर है उनके पास उसको शेयर करके, वो गांव में सबको जोड़ के बहुत ही दूर दूर तक का सफ़र तय कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, और समाज का अपने पहले तो अपना कल्याण होगा, फिर परिवार का कल्याण होगा, फिर समाज का होगा, राज्य का होगा और देश का होगा। उन्हीं के साथ मैं उन सभी तमाम महिलाओं की शुभकामना करती हूं कि हर चीज़ का विरोध करें, कोई भी गलत हो और थाने में जाके अपनी सुविधा लें, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो हर जगह अपनी आवाज़ को वो बुलंद करे। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि कभी कभी आप तो पुलिस में हैं, आपके पास बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, कभी कभी शिकायतें आती हैं कि कुछ महिलाएं ही हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो वैसे में कितनी दिक्कत होती है? आप लोग, आप पुलिस में थे, कैसे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं? मेरी यही है उन लोगों, उन महिलाओं के लिए, चूँकि शुरू से वो इतना देखी है समाज में, उसको सम्मान कभी नहीं मिला और वो दबी दबी सी रही, और दूसरे को जो देखती हैं तो वो उसको हेल्प नहीं कर पाती है कि इन्हें हेल्प की ज़रूरत है और हमको बढ़ के हेल्प करना है, हमें भी कोई किया तो मैं भी करूं, इसी के कारण थोड़ी बहुत उन लोगों में आती है। लोग बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि चार महिलाएं हैं तो आपस में नहीं बनती, कुछ कुछ बातें हैं ऐसी कि हम अपने आप को नहीं समझते हैं, अपने आप को हेल्प नहीं करते हैं और आसपास के सबको हेल्प नहीं करते हैं, ये बात है, इससे हम नज़रअंदाज इसको इनकार नहीं कर सकते, इन सारी बातों। सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई हो, और महिला सशक्तिकरण तो हुआ है, क्योंकि मैं जैसे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हूँ तो मैं तो समाज के नज़दीक रहती हूँ, तो महिलाओं में मुझे चेंज नज़र आता है, इसलिए ऐसा हम नहीं कह सकते कल की महिलाएं जैसी थी वो आज भी वैसी ही हैं, वो स्वतः आके अपना जांच वाँच करवाती हैं, पूरा अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट नहीं रहती हैं कि वही लेके जाएगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, नहीं, वो अपना केयर लेती है। इवन गांव की महिलाएं
सुधार आ रहा है? अपने यहाँ अपने आती हैं सब, एटलीस्ट पूर्णिया में मैं तो उनके बीच में रहती हूँ, उन्हें देखती हूँ, तो पहले का और अभी की स्थिति में सुधार है। लेकिन तो इसलिए लगता है कि अभी और सुधार क्या और सुधार है? और हो रहा है और होगा। जनरेशन इज चेंजिंग, हम लोग बचपन से अभी और हमारे बच्चे जो होंगे आगे, उनका जो सोसाइटी रहेगा बहुत डिफरेंट रहेगा। मैडम क्या कहेंगे आज महिलाएं क्या क्या कर रही हैं? महिला अभी सबसे आगे है पूरे विश्व में, हमारे बिहार में भी। जैसे मर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, लेकिन मर्द को भी पीछे छोड़ रही हैं। जैसे हम भी एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल पूर्णिया में हम लोग ओपन किए हैं, और भी हम लोग भी स्कूल चला रहे हैं, पटना में भी चला रहे हैं, और बहुत अच्छा वो रन कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि महिलाएं सारा काम कर सकती हैं? मुझे लगता है कि जितने भी पुरुष हैं उससे ज़्यादा बेटर महिला कर सकती हैं आज के टाइम में। और अपने या आप घर के अंदर ले लें या घर के बाहर या किसी भी फील्ड में ले लें, वो जितने अच्छे से बेहतर तरीके से वो करती हैं, वो उतना महिला जेंट्स नहीं कर सकते हैं। कुछ जो महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, उतना जागरूक नहीं हैं, तो लगता है कि उन लोगों को भी, हाँ उन लोगों को जागरूक करने का जरूरत है। और हम लोग इसके लिए भी एक ये टीम तैयार कर रहे हैं, और इसमें भी बेटर से बेटर अपने खास तौर से लड़कियों को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोली है आपने? हाँ लड़की तो को क्या मन में क्या चल रहा था आपका? मन में आगे चल रहा था, ऐसे तो गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि उनका हेल्प आगे बढ़ के करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और इस चीज़ में जागरूकता लाएं, तो जिससे कि जो महिला पिछड़ी है या जो अभी जागरूक नहीं हुई हैं वो सारे जागरूक हो जाएं। महिलाओं को खासतौर से आगे लाने के लिए आपने लड़कियों को खास प्राथमिकता देकर के स्कूल खोला? यस। इस ये उद्देश्य आपका है कि या कुछ और भी है कि नहीं लड़कियों के नहीं, साथ लड़कियों के साथ जो अभी तक हो रहा था वो सब नहीं हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, और आज चांद पे भी लड़कियां जा रही हैं। इसलिए हम लोग जो ये छोटे जगह हैं जो लड़की को अभी भी घर में लोग ये कैद करके रखते हैं, तो उन लोग को जागरूक करके बाहर लाना है और देश को आगे बढ़ाना है। जो मुख्य अतिथिगण महिलाएं थी उनका ये प्रतिक्रिया था। लेकिन ये जो हमारे साथ आज लड़कियां हैं मौजूद, इन लोगों को पुरस्कार मिला है, इन लोगों ने पुरस्कार जीता है, और महिलाओं के मुद्दे पर, महिलाओं की शिक्षा पर जो इनको विशेष सब्जेक्ट दिया गया था उस पर इन लोगों को प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार मिला है। और इन लोगों ने अपनी बातों को किस तरीके से उस भाषण में रखा था उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। नगर पुरस्कार मिला है और एक सर्टिफिकेट भी मिला है। तृतीय पुरस्कार के हकदार हैं कौन सा पुरस्कार तुमको मिला है? प्रथम मिला है। क्या लग रहा है कि आज महिलाओं को कितना आगे बढ़ने की जरूरत है? क्या तुमको सब्जेक्ट दिया गया था और उस बात को किस तरह से तुमने रखा? महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। प्राचीन काल की बात करें तो महिलाओं की स्थिति बहुत दर्दनाक थी। उन्हें ना तो शिक्षा दी जाती थी, ना ही एक मनुष्य तक का उन्हें दर्जा नहीं दिया जाता था। परंतु आज के काल में यह कहना गलत है कि महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, महिलाएं बहुत शिक्षित हैं। हम लोग की शिक्षा भी इसका प्रमाण है। आज कई नारियाँ आगे आ रही हैं। हमारा मुद्दा उन नारियों के लिए नहीं है जो शिक्षित हैं, बल्कि उन नारियों के लिए है जो अभी भी शिक्षा के लिए तड़प रही हैं। आज भी अगर गाँव में जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे जगहों में जाएंगे, तो नारियों को शिक्षा नहीं मिलती है। आज भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। तो हमें जो विषय मिला था नारी शिक्षा पर बोलने के लिए, तो हमारा
हमारा उद्देश्य यही था कि हम उन नारियों की ओर संकेत करें जो नारियां पढ़ना चाहती हैं परंतु वह कर नहीं पाती। पूर्ण रूप से लोगों का कहना है कि आज नारियां शिक्षित हैं। हमारे सरकार ने भ्रूण हत्या पर भी रोक लगाई है परंतु क्या यह पूरी तरह से हो पाता है? नहीं हो पाता। हम लोगों को बहुत जागरूक करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी सोच में कभी बदलाव नहीं आता है क्योंकि हम कुछ कोशिश नहीं करना चाहते। हमारी कोशिश बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। घर के लोग भी इसमें बहुत सहायता कर सकते हैं। हम बाहर निकलकर लोगों को बोलते हैं कि जाइए महिलाओं को शिक्षित कीजिए। हमें अपने घर में कोशिश करनी चाहिए कि घर की हर एक महिला शिक्षित हो, हमारे आस पड़ोस की हर एक महिला शिक्षित। अगर हर घर ये ध्यान में रखे कि उसके घर की महिला शिक्षित है तो शायद इस देश में कोई भी महिला शिक्षित नहीं रहेगी। अच्छा, तो जिस तरह से इतनी अच्छी बातें तुम कर रही हो तो हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में जो तुम कह रही हो उसको करने में अपनी भूमिका निभाओगी। मैं पूरी कोशिश स्त्री शिक्षा हमारा मेन मुद्दा था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कोसी डेयरी प्रोजेक्ट वालों को जो उन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया। मैं स्त्री शिक्षा उन लोगों के लिए नहीं है, उन महिलाओं के लिए नहीं है जो शिक्षित है। हम आज भी देख रहे हैं कि गांव में कई महिलाएं अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाएं शिक्षित नहीं है। हम लोग शिक्षित है, इसका ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि आजकल महिलाएं शिक्षित है। हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं, केवल भाषण देने से कुछ नहीं होगा, हमें उनको समझना होगा। मैं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का पूरी कोशिश करूँगी और सभी महिलाओं को शिक्षित कराने का पूरा प्रयास करूँगी। मेरा नाम बॉबी कुमारी है। कौन सा पुरस्कार? द्वितीय। अब आप क्या कहोगे, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तुम लोग को पुरस्कार मिला है? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये पुरस्कार हमें इसलिए नहीं मिला है क्योंकि हम लोगों ने अच्छा किया। ये पुरस्कार हमें इसलिए मिला है ताकि लोग जान पाए कि स्त्रियों को शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। और ये पुरस्कार पाकर मैं उन सब लोगों को कहना चाहूँगी, आप भी स्त्रियों को शिक्षित करें क्योंकि अगर स्त्रियाँ शिक्षित नहीं है तो एक देश कभी भी उन्नति की राह पर चल नहीं सकता। क्या नाम है? अनन्या चौहान। क्या कहोगी तुम बाबू? मैं बस कहना चाहूँगी कि समाज में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने से समाज में अनेक तरह के विकास होंगे। अगर सिर्फ पुरुष शिक्षित होंगे तो उस स्तर पर हमारा देश नहीं पहुँच पाएगा जहाँ आज है। हमारे देश में आज स्त्रियाँ बहुत तरीके से शिक्षित हैं, आज हम उन्हें हर क्षेत्र में पाते हैं, फिर चाहे वो देश की सीमा पर रक्षा की बात हो या किसी भी हिस्से में शिक्षा के और पुलिसकर्मी, हम हर चीज़ में देखते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं भविष्य में स्त्री शिक्षा पे काम कर पाऊँ और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दे पाऊँ। अच्छा, तुम से ये जानना चाह रहे हैं कि आसपास जब देखती हो कि कुछ लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, उसको उसके गार्जियन जागरूक नहीं होने के कारण नहीं भेज पाता है, तो कितना दुख होता है, तुम क्या करना चाहती हो? जब मैं ये देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि काश मैं उनकी मदद कर पाती, लेकिन मैं अभी मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन भविष्य में मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे ऐसी लड़कियाँ मिली तो मैं उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आगे चलकर तुम किसी बड़े पोस्ट पर जाएगी, जब इस तरह की जिम्मेदारी मिल जाएगी लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, वैसे लड़कियों के लिए तुम काम करना चाहोगी? हाँ जरूर, मैं वैसी लड़कियों को पूर्ण रूप से शिक्षा दिलाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं यही कहूँगी, मैं जो महिलाएं शिक्षित नहीं होती है मैं उन्हें बहुत सारे उदाहरण देकर ये बताऊंगी कि महिलाएं कितने बहुत आगे बढ़ रही है। जैसे बताएंगे कि महिलाएं ही ICICI को खोलने वाली महिलाएं, आईएएस टॉपर लड़की, आईएएस ऑफिसर लड़की, विदेश मंत्री लड़की, तो मैं बताऊंगी कि लड़कियां किस जगह पे उन्नति नहीं प्राप्त कर रही है। यहाँ तक इतना ही नहीं कि विदेश चांद पे जाने वाली भी लड़कियां ही हैं, जैसे कि सुनीता विलियम, कल्पना चावला भी लड़कियां हैं। तो मैं इस तरह तरह के उदाहरण को देख करके मैं महिलाओं को बताना चाहूँगी कि शिक्षा कितना ज़रूरी है। और मैं यदि आसपास में देखूंगी कि वहाँ बहुत सारी शिक्षा नहीं दी जा रही है तो मैं बहुत कोशिश करूँगी कि उसे शिक्षा देने के लिए बहुत सारी योजनाएँ बनाए। हमारे 2016 में माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएँ बनाई, इसका यह प्रभाव हुआ कि महिलाओं की साक्षरता एवं लिंगानुपात पे बहुत सारे गहराई प्रभाव पड़ी है। जैसे और हाल में ही महिलाओं के प्रति पे एक फिल्म प्रदर्शित हुई है जिसका नाम दंगल है, उससे हम लोग बहुत कुछ प्रेरित होते हैं जिससे कि महिलाएं की शिक्षित बना सकते हैं हम लोग। तो इससे हम लोग आगे ये जानना चाहते हैं कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं
बच्चों का रिजल्ट काफी ज्यादा रहता है लड़कों के मुताबिक, कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ जिससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लगता है जब पढ़ाई करती हो तो काफी मन से करती हो, बहुत मेहनत करती हो, जो गार्जियन होते हैं घर के लोगों जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं समान रूप से सबको ध्यान देते हैं, लेकिन इसके बावजूद लड़कियां ज्यादा रिजल्ट देती हैं, इसका वजह क्या मानते हैं? इसका वजह कि लड़कियों को तो अभी देख रहे हैं कि आप लड़कियों ज्यादा महत्व दिया जा रहा है अभी के टाइम में, लेकिन पहले महत्व नहीं दिया जाता था। लड़कियां हर एक मुकाबले में काम सफलता प्राप्त कर रही है, इसलिए महिला अपने समझती है कि मैं बहुत महिलाएं के लिए कामयाब होती है कि मैं मेहनत करूंगी तो आगे बढ़ूंगी। पुरुष लोग सब यही सोचते हैं कि पुरुष तो ऐसे ही प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन महिलाएं मेहनत करके भी आगे बढ़ती है। क्या नाम है तुम्हारा? सोनम भाटी। ये बच्चे हैं जिनको पुरस्कार मिला है और शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों ने जो भाषण दिया महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उसमें ये इन लोगों को पुरस्कार मिला है। निश्चित इन लोगों ने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं, ये कह सकते हैं कि जो लड़के करते हैं जो मर्द कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा लड़कियां कर रही हैं महिलाएं कर रही हैं। और जब भी एग्ज़ाम होता है इंटर का हो मैट्रिक का हो, तो आप पढ़ेंगे पेपर में अखबारों में कि लड़कियों का जो प्रतिशत है वो पास होने का ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये होता है कि लड़कियों और लड़कों को समान अवसर अगर दिया जाए तो लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा आगे निकल सकती हैं। लेकर के लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है और यहाँ आयोजन हुआ है, खासतौर से इस आयोजन के जरिए भी लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और इस आयोजक जो यहाँ के हैं उन्होंने किस उद्देश्य के साथ इस तरह का आयोजन किया है उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनका मुख्य रूप से क्या मकसद है। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आर के सिंह जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस उद्देश्य के साथ इस प्रोग्राम का आयोजन आपने करवाया था? इसीलिए मेरा अनुरोध, आज आप सब लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है परिवार में आने का और स्वागत करें। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन पटना जिसकी इकाई कोसी डेयरी प्रोजेक्ट है, इससे जो गांव में पशुपालक हैं उनमें से लगभग 50% अभी महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन आज भी महिलाओं को जिस सक्रियता के साथ समिति से दुग्ध समिति से जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ पाई है। हम भी अमेरिका इंग्लैंड, ये अवसर है हमारा आज का और इसमें हम लोग कई तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। एक राष्ट्रीय डेयरी प्लान है, उसमें VBMPS विलेज बेस्ड मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम के तहत डेयरी सहकारिता जागृति अभियान कार्यक्रम चला रहे हैं हर जगह है, तो आज का अवसर उसके लिए बहुत उपयुक्त अवसर था, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 600-700 महिलाएं गांव से आई हैं जो गांव की दुग्ध समितियों से जुड़ी हैं। वहां की एक प्रबंधकारिणी कमिटी होती है जो संचालन करती है, जो पुरुष डोमिनेटेड समिति भी है, उसमें भी 50% महिलाएं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले रही हैं। लेकिन महिलाएं काफी आगे आ रही हैं। तो निकट दिनों में क्या लगता है कि महिलाओं को जो हम लोग कह रहे हैं क्या कि अबला है ये सब हटाना पड़ेगा, हटा देना चाहिए? स्वाभाविक रूप से अबला महिला नहीं है। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि अभी हम लोग दुग्ध दोहन प्रतियोगिता आयोजित किए हैं, खासकर पुरुष गाय को दूहते हैं। जैसा मैंने अपने संभाषण में कहा कि गोबर का काम महिला करती आ रही हैं, अपना बथान जिसको कहते हैं जिसमें जानवर पालते हैं उसको धोते हैं, उसको सब कुछ करते हैं, लेकिन दूध लेने की बात होती है तो पुरुष सामने आ जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में पैसा नहीं मिल पाता। तो दुग्ध दोहन प्रतियोगिता कराएं ताकि महिला जो सबसे प्रथम आई हैं दुग्ध दोहन में दोहनी में उनको पुरस्कार भी दे रहे हैं, पॉट दे रहे हैं। और महिलाओं से गांव में हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलता है, जागृति कार्यक्रम गांव स्तर पर भी चलता है। अभी महिला दिवस के अवसर पर रही कल से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो पुरुषों को साथ लेकर और महिलाओं को कोशिश कर रहे हैं कि उसमें वो सशक्त हों, गांव में सक्रिय भूमिका अदा करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो उसके लिए सबसे अच्छा मंच है। एक सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि देखा जाता है कि जब पुरुष दूध निकालते हैं गाय से तो उनकी टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन महिलाएं पूरी टाइमली वो काम करती हैं,
तो क्या लगता है कि दूध जहाँ तक निकालने की बात है पुरुष के अपेक्षा महिला ज़्यादा बेहतर कर लेती है या फिर बराबर कर लेती है? नहीं नहीं, बेहतर तरीके से करती हैं, जिनकी आदत हो जाती है वो पुरुष से बेहतर तरीके से करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो थन होता है उसकी साफ सफाई, वो टेंडेंसी पुरुष की नहीं रहती है, उनका हाथ का साफ सफाई। आप जानते हैं कि खैनी वैनी खाते रहते हैं हमारे पुरुष, उसी से वो दूध दूहने लगते हैं, तो जो एक गंदगी पैदा करती है। तो महिला में तो ऐसी बात है नहीं, वो हाथ धोती हैं, थन धोती हैं और बेहतर तरीके से दूध को दोहन भी करती हैं। तो सरकार की ओर से और डेयरी प्रोजेक्ट की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत महिलाओं को और आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर से कहा जा रहा है कि गाय से दूध निकालने के लिए एक समय था जब सिर्फ ये जिम्मेदारी पुरुषों की थी, लेकिन अब महिलाएं भी इसमें आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों से कहीं बेहतर कर रही हैं। तो निस्संदेह हम कह सकते हैं कि समान अवसर देने के बाद जब एक रिजल्ट देखा जाता है तो महिलाएं पुरुष से ज़्यादा आगे निकल रही हैं। लेकिन यह आवश्यकता है कि महिलाओं को ऐसा अवसर लगातार मिलते रहे, ताकि वो महिलाएं जो अभी तक जागरूक नहीं हो पाई हैं, उसको जिनको अवसर नहीं मिल पाया है, उनको भी अवसर मिल पाए। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।